मुरादाबाद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में प्रदेश स्तरीय 65वीं बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने पहुंचकर सभी विजेता प्रतियोगिता को शुभकामनाएं दी। समापन समारोह कार्यक्रम के मौके पर विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह, व्यस्त संयुक्त शिक्षा निर्देशक अरविंद पांडे, उप शिक्षा निर्देशक ज्योति प्रसाद का आयोजन समिति द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 3 वर्गों में कराई गई थी, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में 15 मंडलों की टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन के अवसर पर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिन्हें मौजूद सभी ने खूब सराहा। प्रतियोगिता में अंडर 14 में मेरठ मंडल प्रथम द्वितीय स्थान पर गोरखपुर, अंडर 17 में मुरादाबाद मंडल प्रथम दूसरे स्थान पर मेरठ मंडल, अंडर 19 में प्रथम स्थान पर मेरठ मंडल, द्वितीय स्थान पर मुरादाबाद का मंडल रहा। सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाबो देवी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता और MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं बहुत हैं, बस जरूरत है उनको एक बेहतर मंच देने की। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर विशेष कुमार जी जो अध्यक्ष हैं बाल संरक्षण अधिकार आयोग के, बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े साहित्य के मर्मज्ञ हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी श्री अरविंद पांडे जी जो हमारे जेडी हैं द्वादश मंडल मुरादाबाद के, डीडीआर साहब द्वादश मंडल मुरादाबाद, श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी जी व्यस्त जी ने अपने विचारों के लिए व्यक्त किया, हमारे डॉक्टर साहब उन्होंने अपने विचारों में कोई चीज ऐसी नहीं रही जो उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए उनका उत्साह वर्धन न किया हो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात के लिए विराम दूंगी ये कहकर कि आज जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है समापन का 65वीं माध्यमिक विद्यालय प्रदेश के बहुत बॉक्सिंग प्रतियोगिता के, मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि जीवन में एक प्रतियोगिता है, जीवन का प्रत्येक पग, जीवन का प्रत्येक कदम ये भी हमारा एक प्रतियोगिता है, हमारी परीक्षा है, हमारा इम्तिहान है। आज जिन बच्चों ने सफलता प्राप्त की है और जो सफलता के निकट रहे हैं, जो सफलता के निकट रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि सफलता आपके बिल्कुल निकट है, थोड़े से सजग हो जाइए। बच्चों ने जिंदगी चमकर खेल खेलती है, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक हर प्रकार का खेल जीवन से जुड़ा हुआ है। आज 65वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो रहा है, 10 तारीख से प्रारंभ होकर के 13 तारीख तक संपन्न होनी थी और आज उसका रंगारंग समापन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी इसकी मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी एवं बाल संरक्षण अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। और इस प्रतियोगिता में 10 तारीख से प्रारंभ होकर के जो आज समाप्त हो रही है, इसमें प्रदेश के 15 मंडलों के 303 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19
तीन वर्गों में संपन्न हुई और विभिन्न मंडलों के हमारे 35 कोचेज और मेंटर्स उनके साथ थे, और साथ ही साथ जो हमारा बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अथक प्रयास करके इस प्रतियोगिता को निर्विवाद रूप से संपन्न कराया। इन चार दिनों की प्रतियोगिता में कहीं कोई आक्षेप आरोप नहीं आया, यह इस प्रतियोगिता की सफलता की पुष्टि करता है। और इसके लिए हमारा जो आयोजक मंडल है, जिस विद्यालय में प्रतियोगिता संपन्न हुई इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, पूरा स्टाफ ने इसमें पूरा सहयोग किया। इसी के साथ साथ जनपद के अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य, जहां आवासीय व्यवस्था की गई थी, या प्रधानाचार्यों को जिस भी दायित्व में लगाया गया था, हमारे जो व्यायाम शिक्षक हैं, मंडली क्रीड़ा प्रभारी जीवन सिंह जी हैं, व्यायाम प्रभारी जो जनपद के वंश बहादुर जी हैं, अन्य जनपद के जो व्यायाम शिक्षक हैं, उनका भी पूरा सहयोग मिला। इसी के साथ प्रधानाचार्य परिषद, हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के जो विभिन्न संगठन हैं, उनके सम्मानित प्रतिनिधियों का भी विशेष रूप से योगदान हमको मिला। और इन सबके समन्वित प्रयासों से हम लोग इस वार्षिक प्रतियोगिता को निर्विवाद रूप से निष्पक्षता के साथ आज यहाँ संपन्न करा रहे हैं। यह निश्चित रूप से मुरादाबाद के लिए गौरव की बात है, और मुरादाबाद में इन विशिष्टताओं को देखते हुए ही लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन मुरादाबाद जनपद उपमंडल को सौंपा गया था। और हम लोगों ने, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस मंडल पर विश्वास किया था, उस विश्वास पर खरे उतरने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और हमारे जनपद के संयुक्त शिक्षा निदेशक, जनपद हमारे मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, मंडल के विभिन्न जनपदों के जो हमारे सम्मानित जिला विद्यालय निरीक्षकगण हैं, आप सबका भी सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त हुआ। और प्रतियोगिता की सफलता के लिए आयोजक मंडल का, विशेष तौर पर मीडिया का, मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने प्रतियोगिता का एक कवरेज, अच्छा कवरेज दिया है, जिसका इसका व्यापक प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश स्तर पर हुआ है, और इससे मुरादाबाद को भी गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।